हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टार्टिंग। मेरा नाम संतोष कुमार, आई पी एस कर चुका हूँ। आज थोड़ा सा अगर साउंड में कोई इश्यू हो तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा। क्या हुआ कि मैंने वीडियो शूट किया, अपने आप जो है ना अपने आप ऑन ऑफ हो रहा, अपने आप आया फोर कैमरा, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा जो हेडफोन्स मैंने जो था जो रिकॉर्डर का रिकॉर्डिंग मांगा था वो मैंने निकाल दिया। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग शुरू हो रहा आसमान डेली यूज सेंटेंस, हर दिन बोले जाने वाले सेंटेंसेस, अगर हम उसमें से कि अगर हम लेट को निकाल दें तो बोलने में लेट हो जाएगा। और अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, साइड में शेयर कर दीजिएगा कि मैं आपको कंप्लीट कोर्स दे रहा हूं, कंप्लीट कोर्स, बेसिक टू एडवांस्ड कंप्लीट, तो थोड़ा सा आप शेयर का हक तो मेरा बनता है। चलिए शुरू करते हैं। क्या आता, क्या लेट आता, ऑब्जेक्टिव कैसे आता। ऑब्जेक्टिव मतलब आई की जगह मी आता है, वी की जगह अस आता है, ही की जगह हिम आता है, सी की जगह हर आता है। अगर आप पढ़े नहीं पढ़े तो इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा इस तरह का। और भर का फर्स्ट फॉर्म मतलब गो, कम्प्लीट, टीच, सिंग, रीड, एडवाइज, इस तरह। तो कहते कहेगा परमिशन लेने देने के लिए। अब इससे क्या हो कि पहले आपने सेंटेंस देख कर अंदाजा, मतलब मैं सभी को यही आपको सलाह देता हूँ और हमेशा कि आप सेंटेंस देख कर अंदाजा मत लगाइए, क्योंकि आप ये जानते हुए बोल नहीं पा रहे हैं तो समझिए। ओके, आपके मतलब परमिशन लेना, आप बोले मुझे थोड़ा आराम करने दो, तो क्या बोले उसका मुझे लेट मी टेक रेस्ट, मतलब क्या होता है आराम करना, ठीक है, टेक रेस्ट, मतलब थोड़ा सा रेस्ट ले लो, वही है टेक रेस्ट, है ना। लेट मी टेक सम रेस्ट, थोड़ा सा आराम, ऐसे बोल रहे हैं आप। बोल रहे हैं आप कि मुझे बाहर जाने दो। आपने देखिए आप ऐसे न ऐड कर सकते हैं, पता है कब जब बात करें घर में अक्सर बोल रहे हैं, दोस्तों में बोल रहे हैं लेट मी गो आउट ना, लेट मी गो आउट ना, मुझे बाहर जाने दो ना, मुझे पढ़ने दो ना, मुझे खेलने दो ना, तो आप ऐसे ऐड कर सकते हैं, ऐसे न ऐड कर सकते हैं। तो लेट मी गो आउट या लेट मी गो आउट ना आप, लेकिन इनफॉर्मली जहां पर अपने भाई हो, बहन हो, फादर मदर, ओके, हुए बस हो। आगे बढ़ते हैं, मुझे अंदर आने दो, तो क्या लेट मी कम इन, लेट मी कम इन, अब मुझे देखने दो। मान ले कई लोग देख रहे हैं, ओके लेट मी सी, या देख रहे अच्छा है क्या, देखते हैं है क्या चीज, देखते थोड़ा सा, लेट मी सी, मुझे देखने दो, मुझे देखने दो ये है क्या, आखिर देखो, अरे मुझे यह खाने दो, कुछ रखा हुआ करके, ओके लेट मी ईट दिस या ईट, आप कोई कर सकते हैं, लेट मी ईट दिस या ईट। ये बोले मुझे थोड़ा और सुबह सुबह जगा दिए, 5 बजे जगा दिए, 6 बजे जगा दिए, तो आप बोले ना थोड़ा सा और आराम, मुझे मतलब बोल रहे थोड़ा और सोने दो ना, थोड़ा और सोने दो ना, कौन कौन मैं, तो क्या लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो, कितना सम मोर, थोड़ा सा और, सम मोर मतलब क्या थोड़ा सा और। आप यहाँ पर अलग मोर कर सकते, बहुत से कर सकते हैं, ठीक है, आगे रहेगा वो, मुझे शांति से काम करने दो। मान लीजिए आप काम कर रहे हो तंग कर रहे, लेट मी वर्क, लेट मी वर्क पीसफुली, शांति से काम करने दो, काहे तंग कर रहे हो, तो लेट मी वर्क पीसफुली। बोले मुझे ध्यान से पढ़ने दो, तो क्या हो जाएगा, और देखो एक काम करता, मुझे ध्यान से पढ़ने दो, देखने दो ये क्या, ओके लेट मी रीड केयरफुली, केयरफुली लेट मी रीड केयरफुली, ध्यान से। अब माने कई लोग कोशिश कर चुके हैं और हार चुके हैं, ओके बोला ओके मुझे ट्राई करने दो, लेट मी ट्राई, लेट मी ट्राई, मुझे कोशिश करने दो, मुझे कोशिश करने दो, लेट मी ट्राई, इस तरह का। अब माने कोई कंडीशन है, कोई सिचुएशन है, उसे आप निपट नहीं पा रहे, निपटना वो कोई और निपटना, आप बोल रहे हैं ओके लेट मी हैंडल दिस, मुझे इससे निपटने दो, मैं ये कर लूंगा, आपको लगता है मैं कर सकता हूँ, तो लेट मी हैंडल दिस, मुझे इससे निपटने दो। क्या बोलेगा, मुझे देखिए मुझे इससे निपटने दो, कट रहा है, मुझे इससे निपटने दो, तो यहाँ पर क्या करना, अभी हम मान ले कि इससे मतलब कोई पर्सन है, वहां उसको बोलने क्या बोलिएगा, यहाँ पे कोई काम है, कोई वस्तु है, तो यहाँ पर लेट मी हैंडल दिस, मुझे हैंडल हिम या हर, हिम कब, इफ ही इज अ मेल, मेल फीमेल स्त्री पुरुष, हिम या हर। तो इस तरह आप सेंटेंसेस को बोलिए, प्रैक्टिस करिए, और भी आप कैसे करिए, ओके लेट मी डू दिस मुझे करने दो, लेट मी वॉच अ मूवी, मुझे एक फिल्म देखने दो, लेट मी प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलने दो, लेट मी सिंग अ सॉन्ग, मुझे गाना गाने दो। तो इस तरह आप करिएगा, प्रैक्टिस बोलिएगा, तो आपके अंदर का जो टैलेंट है वो बाहर आएगा, स्किल छिपा हुआ आएगा बाहर आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। साउंड को थोड़ा सा आज मैनेज कर लीजिए, हेडफोन कैसे भी, और मैं कल ठीक कर दूंगा इसको। Okay, thank you very much.